पंडाल कैसा लगा? बहुत अच्छी है, पहला मूर्ति बना है का। निशुल्क पंडाल है, काफी अच्छा व्यवस्था देखने को मिला। और गंगा घाट तो अभी गए हैं नहीं, मगर डेकोरेशन देखे हैं, बहुत सही, बहुत सही है। 9 साल के बाद हम यहाँ आए हैं, पहले भी उतना नहीं ठीक था, आज जो इस साल आए हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हेलो भागलपुर वासियों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हमें उपस्थित सुल्तानगंज के गंगा घाट पे, और यहाँ पे जो कि है आज है सोमवार, तो इसी वजह से यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ के यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिल रहा है कांवरियों का। और पीछे जो आप सबको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा भयंकर सा, ये है निःशुल्क पंडाल, जो कि देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के तहत ये बनाया गया है, वो भी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो गाइस चलिए चलते हैं, और इसमें जो कि अभी हम देख के आए हैं, इसमें कूलर पंखा टीवी वी सब चीज़ का व्यवस्था है। तो गाइस आइए आप सबको दिखाते हैं, लेकिन इसको दिखाने से पहले आप सबको दिखाते हैं इसके बगल का पंडाल जो कि अभी बन ही रहा है। पहले देखते हैं उसको जो कि अधूरा है, फिर देखते हैं इसको जो कि पूरा बन चुका है। तो गाइस आइए आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस ये पंडाल जो कि है अभी बन रहा है, और वो जो पंडाल देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका, पूरा पोस्टर लग चुका है। यहाँ पे उधर साइड है नीतीश कुमार का, और यहाँ है दिलीप कुमार जसवाल का। तो गाइस यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं किस चीज़ का ये पंडाल आखिर बना है। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे तो एकदम पूरा ईटा पत्थर से बिखरा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं लोहा, कि लोहा का यूज़ किया गया, कौन से लोहा का यूज़ किया गया, और बंगर सीमेंट का तो नहीं यूज़ किया गया। आइए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे उजला बहुत सारे पाउडर है, जो कि गाइस यह है कीटनाशक। पहले कीटों को मारा जाता है, फिर इस पे जो कि तिरपाल और चटाई बिछाया जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तिरपाल चटाई के साथ साथ बहुत कुछ बिछाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये है गाइस वाटरप्रूफ तिरपाल, जैसे कि हम छू के देख रहे हैं, अगर आप सब आते हैं तो आप भी छू सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा, जो कि इसे बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, एल्युमिनियम लोहा। ओ गाइस ये एल्युमिनियम लोहा है, और इसी से जो कि यह पूरा पंडाल बनाया गया। और ये पंडाल ऐसा है जो कि सावन खत्म होने के बाद इसे खोल भी सकते हैं आसानी से, देखते हैं बहुत ही कुछ, एक सिर्फ कांटी गाड़ा गया है बस, और कुछ नहीं, बस इसे जो कि है पाया के जरिए इसे जो कि है टिकाया गया है। तो गाइस ये है बहुत बड़ा पंडाल आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे कादो है, लेकिन इस तरह से कर दिया जाता है ना कि इसका कुछ भी कादो आपको पैर में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि वाटर प्रूफ यहाँ पे चटाई बिछाया जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं गाइस, चलिए अभी न्यू वाला दिखाते हैं जो कि बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस बने रहिएगा इस ब्लॉग में, गाइस चलिए दिखाते हैं। तो गाइस इस पंडाल में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सबको दिखाते हैं, आइए आइए गाइस जल्दी आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं जितने भी कांवरिया लोग आते हैं उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पे देखिए पोस्टर में चिपकाया गया है। अभी आपको दिखाते हैं इधर भी पोस्टर आपको बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे देखते हैं गाइस भागलपुर डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि गंगा घाट में गंगा में पाया जाता है डॉल्फिन, वो है। और यहाँ पे देखते हैं बृहदेश्वर नाथ मंदिर जो कि भागलपुर में है, और यहाँ पे है अजगैबीनाथ धाम नवामी गंगे घाट, जो कि यहाँ सुल्तानगंज, जो कि ये अजगैबीनाथ धाम ही है गाइस। और यहाँ पे देखते हैं बटेश्वर नाथ धाम, जो कि सभी कुछ सुल्तानगंज में है, और यहाँ पे विक्रमशिला, तो यहाँ पे जो कि है सभी जहाँ पे जितने भी यहाँ पे है प्लेस घूमने के लायक, तो ये पोस्टर में आप सबको मंदिर जो कि तीर्थ यात्रा सभी सब है, तो यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा। तो यही कुछ था पोस्टर में सारा कुछ, तो गाइस यही सारा कुछ पोस्टर में था। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री से है, उसका भी पोस्टर लगा हुआ। और यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जसवाल, और जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सरकार है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं ऊपर पे लिखा हुआ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, तो गाइस ये जो श्रावणी मेला है ये पूरे विश्व का प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ पे देखते हैं 2024 जो कि लिखा हुआ है। और चलिए गाइस अब चलते हैं इसके अंदर, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई आएगा प्रशासन सब यहाँ पे निगरानी के लिए यहाँ पर ही बैठेंगे, और CCTV कैमरा भी बहुत सारे लगाए जाएंगे यहाँ पे, तो लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे बहुत सारे हैं। और अंदर चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखते हैं मेन गेट है, और दो गेट है यहाँ जिसके अंदर से आप अंदर जा सकते हैं। तो गाइस चलिए इसके अंदर से आप प्रवेश करते हैं, और फिर आप सबको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस गेट के अंदर से प्रवेश करने के बाद आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो कारपेट बिछाया गया है, जो कि ग्रीन कारपेट है। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे चौकी लगाए गए हैं जिसपे कांवरिये लोग आकर के आराम कर सकते हैं। और कुर्सी की व्यवस्था बहुत सारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक कुर्सी लगा हुआ है, और बहुत सारे कुर्सी थे जो कि साइड में रखा हुआ होगा। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे फैन लगाए गए गाइस, और ये जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है, अभी मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, तो साइड पहले आप देख लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे चौकी जो कि अभी लाए ही जा रहे हैं, और सभी कुछ का सुविधा यहाँ पे है। देख सकते हैं स्टैंड फैन है, और ऊपर पर देख सकते हैं ऊपर भी फैन है, और यहाँ पे देखते हैं कूलर भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो आइए आप सबको दिखाते हैं, वहाँ पे सामने कूलर है तो वो अभी आप सबको दिखने वाला है।
और यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से लोग चटाई बिछा के भी सो रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं जैसा कि पंखा तो आप सबको दिख रहा होगा, देखते हैं किस तरह से हर जगह पोस्टर आप सबको मिलेगा जो कि अलग अलग संदेश देता है इस अजगबी नाथ के बारे में और भी यहाँ भागलपुर में जितने भी मंदिर उसके बारे में। यानी यहाँ पे देखने कूलर है और इसी तरह के कूलर जो कि है बहुत सारे कूलर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इधर भी कूलर है और जो कि यहाँ पे ये रास्ता जो बना है ये बना है शौचालय जाने के लिए, जो कि शौचालय का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे सामने आपको जो दिख रहा होगा वह शौचालय बन रहा है और यहाँ पे बोरिंग पानी का भी सुविधा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से चटाई और यहाँ पे भी पोस्टर आपको देखने को मिलेगा श्रावणी मेला 2024 का। और जैसा कि एक कूलर आपने देखा, दो कूलर आपने देखा और ये है तीसरा कूलर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कारपेट बिछाया गया, रंगीन कारपेट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पे देख सकते किस तरह से, और जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से आराम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते गद्दा बिछाया गया, देख सकते यहाँ पे किस तरह से गद्दा है और जिस तरह से ये सारे बच्चे लोग जो कि आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी गद्दे लेकर के जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे आए तो आप आराम कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये कंवारियों के लिए आए, लेकिन अभी कंवरिया कोई नहीं है, सभी जो कि है यहाँ के लोकल हैं और लोकल है वही सब आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी कुछ मतलब चौकी बहुत सारे अभी बिछा ही रहे हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ। तो गाइस अभी आप सबको दिखाते हैं पूरा ग्राउंड एक साथ, आइए गाइस। तो यहाँ आप अभी आप बीच में चले जाते हैं और बीच में जाने के बाद आप सबको दिखाते हैं कुछ इस तरह का। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आप सबको दिख रहा होगा चारों साइड, जैसा कि मैं आप सबको घुमा के देख रहा हूँ। ये है द्वार जिससे हम अंदर आए और यहाँ पे देखते हैं बहुत बड़ा आप सबको दिख रहा होगा ये पंडाल। और देखिए सामने जो कि आप सबको दिख रहा होगा इधर इस साइड वो बन रहा है शौचालय, तो अभी बन ही रहेगा इस जो कि कल तक में बन जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा है। तो यही था ये सुल्तानगंज घाट का निःशुल्क पंडाल जिसमें आपको रहने का पैसा नहीं लगेगा। बाकी जगहों पे पैसा लगेगा लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला है। और कितना दिन लगा आने में? एक दिन में चलाते हैं। कैसा लगा ये आपको? बहुत अच्छी है ये पंडाल। कैसा लगा? बहुत अच्छी है, पहला मर्तबा बना है का निःशुल्क पंडाल है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था देखने को मिला। और यहाँ का डेकोरेशन जो है गंगा घाट का कैसा लगा देखने में? गंगा घाट तो अभी गए हैं नहीं, मगर डेकोरेशन देखे हैं बहुत सही, बहुत सही है दिखाया गया। अमरदीप राम, आप जैसे कि यहाँ आए, पहले भी आए थे कि 9 साल के बाद हम यहाँ आए? 9 साल के बाद आए, पहले आए थे? पहले आए हुए थे। पहले का कैसा था यहाँ व्यवस्था और आप आज का कैसा है? पहले भी उतना नहीं ठीक था, आज जो इस साल आए हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और ये व्यवस्था कैसा लग रहा है? अच्छा, ये पहली बार लगा है हमारे ख्याल से। अच्छा, और अभी जो ये फैन लगा अभी चला था, एक भी बार चला फैन ये ऊपर वाला जो लग रहा है? हम तो लोग अभी अभी तो हाँ पंडाल पहली बार ये लगा है, अभी पहली बार लगा है। हम 2000 से आ रहे हैं हम। 24 साल मेरा हो गया यहाँ, लगातार आते हैं, लगातार 24। एक साल गैप हो गया था जिसमें लॉकडाउन में बंद हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाए थे। तो बाकी हाँ, बाकी सभी साल आए हैं। अकेले आते हैं? हाँ अकेले आते हैं। आप अकेले आते हैं? नहीं साथ में भी है। मतलब नहीं भी आते तो आप आते हैं? हाँ हम आते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? दरभंगा जिला जी। आप पैदल ही जाने वाले? हाँ पैदल ही। कितने दिन में पहुँचते हैं? दो दिन में। तो आप जो हर साल जाते हैं उसका कोई रीजन? अच्छा लगता है? हाँ हाँ अच्छा लगता है, तभी है ना आते हैं। नहीं लगता? हाँ 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 हाँ, बराबर आते हैं और अच्छा लगता है, इसीलिए आते हैं बाबा के नगरी में। यूट्यूब पे आप सब यूट्यूब पर लोड करेगा, यूट्यूब पे। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सभी कांवरिया लोग जो कि है यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो गाइस यही था पूरा पंडाल का नज़ारा व्यू आप सबको जो मैंने आप सबको दिखाया। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुल्तानगंगा घाट पे निःशुल्क पंडाल बन चुका है, जिसके अंदर जाकर के मैंने आप सबको पूरा जानकारी दी। बम लोगों से बात किया और उसने भी बताया कि ये जो किया फर्स्ट बार हुआ है सुल्तानगंगा घाट पर। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सुल्तानगंज से रिलेटेड और भी इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। कहाँ से आए बाबू अब? ए बाबू रुको, कहाँ से आए आप बताओ, कहाँ से आए? ए बाबू रुको रुको, ए बाबू